हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मैं आई हूँ किचन में, तो नहा दो कि सब कुछ काम करके ही आना होता है इतनी देर। तो ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया, और अभी है ना दोपहर लंच के लिए बनाऊँगी मैं लौकी के पराठे। आज ब्रेकफास्ट में हमने पोहे बनाए थे, तो और लंच में मैं बनाऊँगी आंवले की चटनी और लौकी के पराठे। तो मैं कद्दूकस करके हॉल में बैठ के आराम से कद्दूकस करके ले आई किचन में, खड़े खड़े नहीं आराम से बैठ के कर लिया मैंने। तो अभी यहाँ पे मैंने आटा डाल लिया है, और उसमें ये बेसिक मसाले मिक्स करूँगी, और भी सौंफ और अजवाइन, ये तो ज़रूरी है डालना, इसके बिना तो पराठे का टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो ये तो ज़रूर डालिएगा। और तो बेसिक मसाला जो रहता ही है, थोड़ा अमचूर पाउडर भी डाला मैंने, और ये थोड़ा नमक डाल दिया। और अभी इसको आटे में मिक्स करके सॉफ्ट सा आटा लगा लूँगी। तो लौकी के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, वीक में तो एक बार बन ही जाते हैं, तो ये हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। और सब्ज़ी इसकी बच्चे कोई भी नहीं खाना पसंद करता, तो इसी तरह से खा सकते हैं हम लौकी को। वो लौकी का हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने सारी जो लौकी कद्दूकस करी थी ना, कम से कम 500 ग्राम के करीब लौकी थी, तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और अंदर का पार्ट मैंने साइड में निकाल दिया, क्योंकि उससे पराठे टेस्टी नहीं बनते, तो वो निकाल देना होता है, आपको पता ही है ये। तो अभी मैं इसका सॉफ्ट सा डो लगा ले रही हूँ। तो जब भी लोग बच्चों को लौकी खिलानी हो ना, तो इसी तरह से खिला सकते हो। और तो सब्ज़ी तो कोई खाना पसंद करते नहीं बच्चे के, हम बड़े ही नहीं करते लौकी की सब्ज़ी पसंद है। तो ये मैंने सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया दूंगी मैं, 5-10 मिनट के लिए, और बाद में बनाऊँगी। तो 5-10 मिनट के बाद में मैं ये पराठे गोल शेप में ही बना रही हूँ, तो सेक दे रही हूँ, तो इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा के सेक लूँगी। हमें तो सबको पसंद आते हैं लौकी के पराठे बहुत ज़्यादा, और आंवले की चटनी के साथ तो और भी टेस्टी लगते हैं। तो ये पहली रोटी तो मैंने है ना गाय के लिए, पहला पराठा तो गाय के लिए निकाल दिया साइड में, अभी बाकी के फटाफट से सेक लूँगी। तो गाइज, मेरे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो आप लोग कैसे बनाते हो मुझे गाइड करना कमेंट बॉक्स के ज़रिए। तो वीक में एक बार तो ज़रूरी बना लेती हूँ मैं, तो लौकी के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो ये दही के साथ भी टेस्टी लगते हैं। पर आज मैंने इनके साथ में आंवले की टेस्टी सी चटनी बनाई, उसकी रेसिपी भी मैंने से चैनल पे डाली है। बहुत ही इजी है और हेल्दी और टेस्टी बनती है, फटाफट से तैयार हो जाती है, और उसको स्टोर भी करके रख सकते हो आप, 2-3 महीने तक बिना फ्रीज के भी रख सकते हो। फ्रिज में तो कितने दिन रखो चाहिए। और अभी मैंने पराठे बना लिए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ, गाय के लिए निकाली थी तो गाय को दे आऊँगी रोटी पहले, और बाद में पानी ख़त्म हो गया तो मोटर भी चालू करके आऊँगी, साथ में दोनों काम कर लूँगी। तो मैं नीचे ही जा रही हूँ, हाथ धोने लगी तो नल में पानी एकदम से बंद हो गया, तो चलो पर मैं सोची पहले ही करके आते हैं। तो रोटियाँ तो मैंने सेक ली थी, तो पहले मोटर चालू करके आऊँगी। और नीचे घर के सामने मैं मंदिर है भोले बाबा का, तो बाबा के भी दर्शन हो जाते हैं सुबह उठते ही। और यहाँ पे है ना गाय के को डालने के लिए रोटियों के लिए जगह बना के रखी है, तो यहीं पे डाल देते हैं।
दिन भर में गाय नहीं दिखती, वो शाम के टाइम दोपहर में आती हैं, तो शाम के टाइम आती हैं करीब 5-6 बजे की आसपास, तो खा लेंगी। तो मैं सोची बाद में भूल जाऊंगी, तो अभी दे आई, तो अभी मोटर चालू कर दी है। और ये आज मैंने फिर आंवले का अचार बनाया था, पर वो थोड़ा ही बनाया था, तो आज आंवले वाला बेचने आ रखा था तो गली में, तो अच्छे अच्छे आंवले थे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एकदम साफ साफ मोटे मोटे, तो मैंने और ले लिए 1 किलो। मैं सोची और बना लूँगी, वो पहले बनाया था ना, वो तो आधा किलो का बनाया था, तो खत्म वो शुद्ध है ना? हो चुका, और अभी और बना रही हूँ, तो क्यों उठे इनको कौन मैंने जाएगा ना तेरू? उबाल लूँगी थोड़ी 5 मिनट ही, थोड़ा तो एकदम से नहीं उबालना है, तो इसमें उबालने के लिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी और नमक डाल दिया है, और इसको थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ दूँगी, तो 5-5 मिनट। और ये हमारा लंच, तो आज मैं यही लंच में होगा सिंपल सा। और अभी आंवले ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इनको अलग अलग, इनकी कलियां और अलग से अंदर से बीज निकाल दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हुए, ये एकदम थोड़े थोड़े गुनगुने जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म है, तो अच्छे से निकल जाएंगी इनकी गुठलियाँ। तो पर फिर बाद में दिन भर इनको पंखे के नीचे रख दूंगी, तो इनका पानी मॉइस्चर सूख जाएगा, तो बाद में बनाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर रह जाता है ना तो आंवले का अचार ख़राब हो जाता है। तो अच्छे से पानी सूखा के बनाओ ना, तो कितने दिन स्टोर करके रखो, अच्छे से रह जाएंगे। और आंवला भी सीजन है आंवले की, तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आंवले मिल जाते हैं, बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती है आंवले की, तो और चटनी भी परांठे के साथ में इतनी टेस्टी लगती है आंवले की चटनी, मुझे तो बहुत पसंद है। और हेल्दी भी होती है हमारी आँखों के लिए, पेट के लिए, हेयर के लिए, सबके लिए आंवला अच्छा होता है, तो ज़रूर खाना चाहिए, अपनी डाइट में ज़रूर लें। और इसका मुरब्बा भी बना के स्टोर करके रख सकते हो, साल भर खा सकते हो। तो इसकी बहुत सारी रेसिपी अच्छी अच्छी आंवला कैंडी हो बन जाती है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, और ज़्यादा झंझट भी नहीं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बिना उबाले भी बना सकते हैं आप उसकी आंवला कैंडी, तो अच्छे से बन जाती है। मैंने अभी तो नहीं बनाई, पर सोच रही हूँ कि आंवला कैंडी बनाने के लिए फिर से और ले लूँगी 1 किलो, रोज़ गली में आता है, तो कभी कभी तो अच्छे होते हैं, तो उस दिन तो ले लेती हूँ, पर आज आज बहुत अच्छे आंवले थे, उसके वास्ते मैंने ले लिए। 2-3 दिन इससे आता है, और रोज़ तो नहीं।